वेलकम बैक। आज मैं निकल रहा हूँ दनांग के लिए और मैं दनांग जा रहा हूँ ट्रेन से। मैं ट्रेन स्टेशन पे ही हूँ इस वक्त। ये रहा, ये मेरी ट्रेन है और इसमें तीन क्लास होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो मैंने फर्स्ट क्लास में बुक करा है, देखो कैसा होता है। अभी मैं अंदर ही जा रहा हूँ ट्रेन के। ट्रेन में आ गया हूँ मैं। मेरा है नंबर, मुझे ऊपर वाली सीट मिली है। ट्रेन की काफी साफ है। स्पेस बहुत कम है तो मुझे लेटना होगा। ये तो मैं लेट गया। इन्होंने यहाँ ब्लैंकेट दिया है और पिलो भी दिया हुआ है। 12 घंटों का सफ़र है, देखो कैसे गुजरता है। अभी मैं वॉशरूम नहीं गया, आई होप वो साफ़ हो। तो यहाँ मैं व्लॉग बंद करूँगा अपना, मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा, उसके बाद लौट के कंटिन्यू। आज मैंने अपना वहाँ रख दिया था और लेग स्पेस अच्छी खासी है, ठीक है इसमें। ये यहाँ पर सिंक बना हुआ है और उस तरफ वॉशरूम है, वॉशरूम भी क्लीन है यहाँ पर। और ये देखिए बारह घंटे का सफ़र है, अभी तो 2 घंटे ही हुए हैं। दनांग में पहुँच गया हूँ मैं और होटल चेकिंग मुझे नहीं मिला क्योंकि मैं जल्दी आ गया था यहाँ और चेकिंग टाइमिंग ये लोग 2 बजे बोल रहे हैं। हालांकि रूम इनके पास होता है खाली, फिर भी नहीं देते हैं। खैर अभी मैं थोड़ा बीच की तरफ जा रहा हूँ, बिकॉज बीच यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। सामने बीच है दनांग। ऑलमोस्ट 20 की तरफ आ गया हूँ मैं वॉक करते करते। गर्मी बहुत है आज, वेदर नतरांग में अच्छा था, यहाँ तो काफ़ी गर्मी है। ये यहाँ फेमस रोड है जहाँ पे सारे होटल्स, मेरा होटल थोड़ा पीछे है इस दफ़ा। ये देखें कैप पहनना भी भूल गया, वो बीच तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। ये देखें फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा हो तो आगे भी सब अच्छा ही होगा। दनांग का बीच, ना मैं फ्रीडम बीच पे स्विम किया ना नतरांग में किया, सोच रहा हूँ यहाँ पे मैं कर लूँ। तो गर्मी बहुत है, आई लव दनांग। यहाँ पैराग्लाइडिंग भी होती है बीच पे। बहुत गर्मी है, पानी काफी साफ है, ओ ठंडा भी है।
क्या करूँ, वहाँ तक वॉक करूँ? वो देखिए पैराग्लाइडिंग हो रही है ऊपर, थोड़ा मैं वॉक करता हूँ आगे तक, आगे भी दिखाता हूँ। मेरी चप्पल ना टूट जाए वॉक करते करते। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग आऊँगा बीच पे। अरे कल तो मेरा टूर भी है बाना हिल्स का, वैसे भी जल्दी उठना पड़ेगा सुबह। पर यहाँ अर्ली मॉर्निंग काफ़ी रश होता है बीच पे सुबह 6 बजे सनराइज़ के टाइम, सनराइज़ 5 बजे हो जाता है। चेक इन मिल जाता ना तो थोड़ा रेस्ट कर लेता, लेकिन वो दे ही नहीं रहे। रूम खाली है लेकिन नहीं देंगे क्योंकि टाइम से चेक इन देना है, जल्दी चाहिए तो एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। नो स्विमिंग, लोग तो फिर भी स्विम कर रहे हैं। आगे तो बहुत आगे तक है ये बीच, ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा। यहाँ पे एक फेमस ब्रिज है जहाँ पे फायरवर्क होता है, तो वहाँ भी मैं जाऊँगा शाम के टाइम। और मुझे यहाँ पे एक और अट्रैक्शन दिख रही है, व्यू पॉइंट दनांग का, पुरानी वीडियो में दिखेगा नहीं दिखेगा, जूम करता हूँ। वो दिख रहा होगा आपको स्टैचू, वहाँ पे भी जाना है मुझे, वहाँ एक क्रूज भी दिख रहा है। चलो मैं यहाँ से टर्न ले लेता हूँ क्योंकि आगे तो बहुत ही ज़्यादा चलना पड़ेगा, इतनी एनर्जी नहीं है अभी। शाम में चलूँगा, रात में आऊँगा यहाँ पे। तो वेट करने से अच्छा मैं यहाँ फ्रूट्स खाने आ गया हूँ, यहाँ फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं, जैसे ये वाटरमेलन देखे। अभी मैंने जूस भी ऑर्डर किया है, अभी भी वहाँ 2 घंटे हैं, तो 2 घंटे में यहीं पे बैठ के स्पेंड कर लूँगा, उसके बाद रूम चेकिंग मुझे मिलेगा। 1 बज गया है और मुझे चेकिंग अभी तक नहीं मिला, तो मैं यहाँ कॉफ़ी शॉप पे आ गया हूँ अब, और मैंगो योगर्ट ऑर्डर किया है। अभी भी मैं चेकिंग का वेट कर रहा हूँ, अभी भी आधा घंटा उन्होंने बोला है मुझे, तो वेट। ये मेरी होटल की लॉबी है, अभी भी वेट ही कर रहा हूँ, देखो कब रूम देते हैं। आखिरकार रूम मिल ही गया मुझे, ये मेरा रूम छोटा सा, ये वॉशरूम है और ये शॉवर एरिया है। देखें ये शॉवर एरिया है,
और ये है छोटा सा रूम, ये यहाँ पे कॉफ़ी टेबल है, नूडल्स भी रखे हुए, और ये रूम यहाँ पे शुरू होते ही ख़त्म हो गया। अभी मैं हुई ऑन के लिए निकल रहा हूँ बाइक पे, ग्रैब बाइक पे जा रहा हूँ, 25 किलोमीटर दूर है यहाँ से हुई ऑन टाउन। सनसेट तक वहाँ रुकूँगा, दिन वापस यहाँ पे आ जाऊँगा। हुई ऑन में पहुँच गया हूँ मैं, और मौसम अच्छा हो गया है, लेकिन फिर भी धूप बहुत है। बहुत छोटी छोटी गलियाँ हैं यहाँ पे, और रेस्टोरेंट से कुछ उस तरफ ले के जहाँ पे अभी कुछ लाइट्स वगैरह चलती हैं आफ्टर सनसेट। ये देखें, यहाँ से स्टार्ट स्ट्रीट, ये कोई इंडियन रेस्टोरेंट है जहाँ मैं अभी खाना खाने वाला हूँ, बिकॉज मुझे बहुत भूख लगी है। और ये इसकी छोटी छोटी स्ट्रीट्स हैं। ये भी कोई कॉफ़ी कैफे, यहाँ कॉफ़ी काफ़ी अच्छी मिलती है। यहाँ अभी रात में काफ़ी रश हो जाएगा। बहुत छोटा सा टाउन है ये, 1 घंटे का रास्ता है इसका दनांग सिटी से। मेरे पास ज़्यादा डेज नहीं है, वरना मैं इस टाउन में स्टे ज़रूर करता एक दिन। ये यहाँ पे फेमस इनका ब्रिज है यहाँ का, और ये देखो बोट से ना, ये भी जब सनसेट होगा ना उसके बाद चलेंगी, ये लाइट सारी ऑन हो जाएंगी। ये बिल्कुल वहाँ आगे तक जाती हैं, इस वाली स्ट्रीट पे तो मैं आया ही नहीं, सामने जाता हूँ। छाँव में आऊँ थोड़ा, बहुत धूप है आज। देखिए छोटे छोटे कैफेज बने हुए हैं। ओके, ओके टिकट था उस टेम्पल का, पर मेरे पास कैश नहीं था, कार्ड था, वो कार्ड ले नहीं रहे थे तो नहीं गया मैं। Salud, salud, salud.
बहुत ही रश है स्ट्रीट पे। ये क्या मिल रहा है यहाँ पे? मून केक। हाँ ये मून केक मिल रहे थे। ये क्या मिल रहा है यहाँ पे? एक मूवी थी नेटफ्लिक्स पे, टूरिस्ट गाइड टू लव। उस मूवी में मैंने ये स्ट्रीट देखी थी, तब ही सोचा था वियतनाम जाऊंगा और इस स्ट्रीट पे आऊंगा, और आज आ गया। मैंने एक छोटे से कॉफी कैफे में आया था, कॉफी पीने। कॉफी है, अब मैं अपस्टेयर्स जाकर बैठ रहा हूँ। आई होप ऊपर जगह हूँ। ये देखें स्ट्रीट व्यू, यहाँ काफ़ी रश है पिक्चर्स के लिए, तो मैं नीचे ही जा रहा हूँ। शाम का टाइम हो गया है, अब मैं लेक की तरफ जाऊँगा। बहुत प्यारी जगह है ये। बट यहाँ एक दिन रुकने जैसा तो नहीं है, डे ट्रिप के लिए बेहतर है ये जगह। ये देखें बोट चलना स्टार्ट हो गई हैं। अभी थोड़ी देर में ना सनसेट वैसे हो गया है, जैसे ही थोड़ा डार्क होगा ना फिर यहाँ लाइटनिंग होगी, फिर मैं व्यू दिखाऊंगा। ये देखें बोट चलना स्टार्ट हो गई है, इस तरफ लाइटनिंग। बहुत प्यारी जगह है। दोनों तरफ स्ट्रीट के छोटे छोटे कैफेज बने हुए हैं, कॉफी कैफे। अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ थोड़ा बैठ जाओ, कहाँ बैठूँ जगह नहीं मिल रही। ये देखें रात हो गई है, थोड़ी सी रोशनी है, लेकिन व्यू देखें, व्यू बहुत अच्छा है। बैठ के व्यू ही देख रहा हूँ, पीछे भी लाइटनिंग स्टार्ट हो गई है। ये देखें मैं बस थोड़ी देर और रुकूंगा, फिर निकल जाऊंगा दनांग की तरफ। हाँ अब प्रॉपर रात हो गई है, अब व्यू ज्यादा अच्छा हो गया है। ये देखें ये देखें, अब मैं थोड़ा आगे जाऊंगा, पूरा स्ट्रीट टूर देता हूँ। आने से पहले मैंने वियतनाम के बहुत नेगेटिव रिव्यूज देखे थे, लेकिन यहाँ आके बिल्कुल डिफरेंट है चीज़ें। व्यू देखें खाली,
ये देखें रात हो गई अब। कितना मैजिकल व्यू है। यहाँ कुछ गेम्स चल रहे हैं। मैं उस ब्रिज की तरफ जाऊंगा जहाँ से मैं आया था पहले, लेकिन वहाँ पे बहुत रश लग रहा है, जगह नहीं है बिल्कुल। रात होते इतने रश हो गया, कहाँ से आ गए इतने लोग। यहाँ से देखें वो यहाँ बीच से काफी अच्छा व्यू दिख रहा है, लेकिन यहाँ रश बहुत है। देखें पूरा ब्रिज पैक ब्रिज। बहुत मैजिकल है। इस व्यू के लिए मैं एक दिन रुक सकता था। तो यहाँ फुट मसाज कराने आ गया मैं, 1000 डॉन में, जो 1000 PKR होते हैं। अब यहाँ से थोड़ा बाहर जाऊँगा, फिर डिनर करूँगा। फिर जाना है हान रिवर पे, एक फायर वर्क शो होता है ड्रैगन ब्रिज, वहाँ पे फायर शो होता है, तो वो देखूँगा पहले। दिल तो नहीं कर रहा यहाँ से जाने का, लेकिन अब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है यहाँ पे। ये एक पिक्चर पॉइंट है खान रिवर पे, फायर शॉप का टाइमिंग ख़त्म हो गया था, तो कोई पॉइंट नहीं था वहाँ जाने का। मैं गया था लेकिन फायर शॉप ख़त्म हो गया था, तो मैं भी बीच पे आ गया हूँ। सुबह जहाँ मैं नहीं आया था आगे की तरफ, यहाँ मार्केट लगी हुई है, नाइट मार्केट। मैं यहाँ से वॉक करूँगा होटल तक। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये देखें बीच पे आ गया मैं। उस तरफ भी कुछ म्यूजिक शो हो रहा है। सुबह में इतना रश नहीं था, रात में काफ़ी रश है यहाँ, लेकिन अर्ली मॉर्निंग सनराइज के टाइम बहुत रश होता है। मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, बस वो वाटरमेलन खाया था, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया। देखता हूँ यहाँ कुछ खाने को, कोई इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाए, पाकिस्तानी तो नहीं है।
उस तरफ कैफेज भी बने हुए हैं, रेस्टोरेंट्स भी बने हुए हैं। ये बीच बहुत बड़ा है, ठीक है आ गया बीच। रेस्टोरेंट मुझे मिल गया था और खाना वगैरह खा के मैं आ गया हूँ वापसी अपने होटल। और इस व्लॉग को मैं आज एंड करूँगा यहीं पे, क्योंकि कल मेरा टूर है बाना हिल्स का, फिर वहाँ जाना है, सुबह जल्दी उठना है। तो उस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग पसंद आया तो लाइक।